तो कहानी में अब तक ये रहा, हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूटते छूटते बची, हमने ऐसे मोमोज खाए जो हम दोबारा खाना चाहेंगे, गोलगप्पे ऐसे खाए कि शायद ही मैं कभी उनको अपनी लाइफ में वापस खाऊं। हमारी भाई की बुद्धि पहले से कम थी, भाई ने खाई सर पे चोट, जिससे बची कुछ बुद्धि भी वैनिश हो गई। और ये था वो सस्पेंस मोमेंट जहाँ पहला व्लॉग खत्म हुआ। वेलकम टू नेपाल। और इनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा हमने इनको ट्रीट नहीं करा और ये ऐसा हमको ट्रीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इनके लिए हम एक बड़ा सा होटल बुक करके वहाँ बोलेंगे वेलकम टू इंडिया और वहाँ पर केक कटाएंगे इनके लिए। ये मैंने बोल दिया कमेंट में, आधे पैसे मांग लेते हैं। कैसे क्या है लेकिन, पर अच्छा लग रहा है मुझे। तो गाइस ये हिमांशु का, तो बेसिकली ये रहा वेलकम टू नेपाल हिमांशु को। ये इतना ट्रीट कर जा रहा है, बोल रहा था नेपाली लोग कैसे होते, देख ऐसे ट्रीट करते हैं नेपाली, इतने इतने प्यारे होते हैं नेपाली लोग, देख रहे हैं। हाँ हाँ ओके, तुम ही तुम आओगे तो काठमांडू आओगे। तो आप हिमांशु दाई को भी खिला रहे हैं वेलकम टू नेपाल। तो देखो गाइस, तो बेसिकली इनका ये कहना है मैं नेपाली हूँ इसलिए मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हिमांशु को देख लो कितना खुश है। हिमांशु हिमांशु वेलकम टू नेपाल, थैंक यू बोल। थैंक यू सो मच। तुमको तो लगा रहा था थोड़ा लगा था। जय बाहुबली। अरे यहीं पर मैंने कितना थोड़ा लगाया। थैंक यू सो मच प्रगति, थैंक यू सो मच निशा, थैंक यू सो मच संध्या, और वो काठमांडू में थैंक यू सो मच अस्मिता। कैसे इनका कल्चर है सर, मैंने इसलिए वीडियो निकाला कि देखो ये बौद्ध भगवान है और ये अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। सर इसके लिए रिकॉर्ड करो और यहाँ रिकॉर्ड करने लगा, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। जूता निकालने आया है यहाँ पर, मैंने कहा क्या है, तो देखो ना जूते में हिमांशु ने बांध रखे। और तो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं हिमांशु? नहीं मैंने कहा कि अगर लेके जाएगा तो दोनों के ले जाएगा, वरना फिर वैसे नहीं देखेगा ना बंदा। ये पता नहीं कौन सा दिमाग लगा रहा है यार। गाइस इसके लिए कौन सी सजा है मुझे बता दो। कमेंट में लिख दो, कमेंट करो इसके लिए कौन सी सजा देनी चाहिए इसको। हम उसका करेंगे। मेरा ये कि मैंने ऐसे कौन से पाप करे थे मुझे जिंदगी में अभी तक समझ नहीं आ रहा। मुझे अगर किसी को पता ना तो मुझे बता देना, मैं करेक्ट कर लूंगा। बेटा पुण्य नहीं, ये पाप नहीं पुण्य थे इसके जो मेरे में आया, दोस्त मैं मिला इसको पाप कर दिया, कोई छोटा सा पुण्य कर दिया होगा, कभी कुछ प्रगति। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम गौतम बुद्ध है ना, उसका उनका पाइला हम इधर नेपाल में है, उधर वीडियो बनाने लाने है, पर हम उन लोगों से पूछेंगे कैसा कैसा लगा तुम्हें। अब हम चाहे कहाँ जा रहे तो बुद्ध के पाइला में, और जहाँ बुद्ध ने स्नान किया था ना उधर इसे कौन जैसा है, अब हम से आप लोगों को सब वीडियो में दिखाएंगे। ओके गाइस स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम पहुँच गए, तो प्रगति क्या बोल रहे हो? हम उधर जाके हमें आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद, आनंद ही आनंद मिलेगा, पर बहुत बार मिलेगा। गाइस जैसे इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति थी पहले, तो ये यहाँ की ज्योति है, तो ये ज्योति कभी बुझती नहीं। गाइस ऐसे उधर जाके हमें ऐसे करके फोटो खींचना है और तुम लोगों को भी करना है, इधर ऐसे करके क्लिक करना है। ये यूनिवर्सल पोज है इधर का, समझ रहे हो ना गाइस? ये पता नहीं क्या क्या कराएंगे हमसे, कभी क्या ये लोग हमारे साथ प्रैंक करेंगे। गाइस हम इन लोगों को करवा के दिखाएंगे। इसके लिए आप इन लोगों के इंस्टाग्राम में भी फॉलो करो, अच्छा ये पोज देखने के लिए। तो गाइस डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल खत्री अमित 502। तो गाइस ये बौद्ध भगवान। तो गाइस अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप देख सकते हो इधर कितना अच्छा पॉन्ड है, पॉन्ड बोलते कि हम इसको लेक बोलते हैं, नहीं पता गाइस। आप देख सकते हो ये अपने ही धुन पे, नहीं पता मुझे ये क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो हम से इधर जा रहे हैं अभी से गाइस, हम से इन लोगों के पहले से गौतम बुद्ध के पाइले जाता जिधर रखा है ना उसने, उसके लिए इन लोगों के इधर रस्ते से। गाइस हेलो गाइस, ये मेरी दोस्त निशा है, ये कभी नहीं छोड़ती,
कभी नहीं छोड़ती मुझे, और कभी कभी हम अमित के ब्लॉग में भी आते रहते हैं। इतने एंजॉय कर रहे हैं इन लोगों ने, अपना ब्लॉग ही मुझे दे रखा है। ये लोग प्रगति बना लो, देखो ये ब्लॉगर लोग अपने ही धुन पे, नहीं पता उन लोगों के ब्लॉग इसके लिए उन लोगों के कंपनसेट के लिए आप लोगों को एंजॉय करने के लिए हम से ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस अब हम से बुद्ध के पाइले में जा रहे हैं, उधर वीडियो अलाउड है, और हम उधर का बाहर का वो सराउंडिंग है ना, टेम्पल कैसे कैसा है, हम से आप सबको वीडियो में ले दिखाएंगे। ओके गाइस बाय। गाइस आप देख सकते हो हमने अंदर जाने के लिए टिकट खरीद लिया, और गाइस इसका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता, ओनली 20 रुपीज पर पर्सन गाइस, ओनली 20 रुपीज। देख सकते हो हमें अंदर जाने के लिए पहले से जूता खोलना पड़े। ऐसे गाइस क्या होता है, ये जूता भी चोरी नहीं होता। ओके गाइस देखो देखो ले रखो। गाइस अब हम आपको गौतम बुद्ध का टेम्पल दिखाएंगे, और सबसे बड़ी बात इधर का हम लाइन देखो, अंदर सिर्फ अंदर जाने के लिए आप देख सकते हो। देखो देखो गाइस, ओ माय गॉड, देखो इधर से गाइस, इधर से अंदर सिर्फ अंदर जाने के लिए, अंदर जाके जस्ट हम क्या देखेंगे, जस्ट पाइला, ओनली जस्ट पाइला देखेंगे। इसके लिए कितना लाएंगे आज गाइस, ऐसे कितना भी भीड़ क्यों, इसलिए क्योंकि आज गाइस इधर नेपाल का होली डे भी है, क्रिसमस है। इधर का आप देख सकते, इधर का बच्चे लोग भी आए ना ये देखने के लिए, सो आज इतना भीड़ गाइस ऐसा लगा। हेलो, कहाँ थे तुम? मैं बहुत दूर थी, तुम कैसे हो? बहुत अच्छी है, तुम तो सात समुद्र पार चले गए थे। क्या कर, हम ब्लॉग के बाद तो हमको कूर के बैठा है कि तुम आएगा आएगा आएगा, तुम आएगा भाई? नहीं हम अभी आए, अभी तुम कहाँ हो? अभी हम है बुद्ध भगवान के जहाँ खुट्टा है ना, जन्म हुआ था उसके, जहाँ नहाते थे ना, उस जगह पे है हम। उस आपको कैसा लगा अंदर जाके? हमको बहुत अच्छा लगा, हम पीस हो गए यहाँ आके, बहुत हमारा आनंद आया कि नहीं? आनंद तो घर पे भी आता है, यहाँ नहीं आ पाया या नहीं? नहीं नहीं, अंदर से आनंद आया कि नहीं? अंदर से नहीं आता है आनंद, आनंद आपने पाइला दिखा कि नहीं गौतम बुद्ध का? पाइला देख, सच में बताओ पाइला दिखा कि नहीं? दिखा मुझे, लेफ्ट राइट से नहीं दिख रहा था, सामने वाला लेफ्ट से देखा, लेफ्ट से देखा तो पाइला उनका पत्थर था ना। गाइस ये इधर वीडियो चल रहा है, ये मैं इधर वीडियो क्लिक कर दू, इधर अपना ही कुछ चल रहा है, वो जो हमें नहीं पता। हाँ अभी कंक्लूजन क्या निकला, तुम्हें बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज कल तो हमने पहला दिन घूम लिया था, जो नॉर्मल हम पार्टी वार्टी गए, पार्टी का तो किस्सा ही अलग है, वो बताएंगे तो आप पागल हो जाओगे। उसका भी गाइज हम उसका भी थोड़ा ब्लॉग हम बनाएंगे, कैसे हम पार्टी में गए, क्या क्या हुआ, उसका भी हम थोड़ा थोड़ा क्लिप रखेंगे। हमको फिर से काम मिल गया, सुंदर ने फिर से हमें बैक बना दिया, तो गाइज ये टुचुक कैसे चलना है वो भी बता दो। चलना अच्छा चलना होता, प्रगति किसी चलती है, वो चलती है गाइज। ये आप देख सकते हैं, ये सब गौतम बुद्ध का ऐसे भक्त है ना, ऐसे गौतम बुद्ध वाला रिलीजियस मानते हैं, ये सब लोगों ने इधर बैठ के इसे मेडिटेशन किया है इधर, क्योंकि उधर आप ये देख सकते हैं व्हाइट वाला है ना, ये गौतम बुद्ध का मेन मेन लोकेशन। आप गौतम बुद्ध, आप इधर रिलीजियस गौतम बुद्ध का रिलीजियस मान रहे हो तो ये मेन, ये ठाऊ, ये एरिया, ये मेन है, क्योंकि इधर के मैंने कितनी बार बोला है गौतम बुद्ध का पाइला है ना, सो इधर इसके अंडर रह के ये सब गौतम बुद्ध को मानने वाले ये लोग है ना, इधर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, और बाहर के लोग और इधर आके पैसे पैसे, अब अगर आपको जो जो भी मन लगता है वो आके से इन लोगों को दे रहे हैं। वो लोग तो चले गए, पता नहीं कहाँ है, फोन भी हमारे पास, हमारे पास ही। अब से गाइस हम दोनों ही बनाएंगे ब्लॉग, उसके ब्लॉग में निशा और मेरा ब्लॉग आएगा, मेरा आएगा। आप लोग प्लीज इरिटेट मत हो ना, आज जल्दी जल्दी सिल्वर प्ले बटन चाहिए, इसलिए सब प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ये हजुर नेपाली पनि न अमित को ब्लॉग हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुर नेपाली हुनुहुन्छ, प्लीज हामी चाहिँ नेपाली नै हो है गाइस, नेपाली नै हो, हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु, नेपालीले सब्सक्राइब गर्दिनु, इन्डियन
उहाँहरूले पनि नयाँ कसरी नयाँ ब्लग हेर्दै हुनुहुन्छ नि प्लिज यो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइस है हामीले सरप्राइज दिन्छौँ कि उसको 100K सब्सक्राइबर हुन्छ अनि सिल्भर प्ले बटन हामीलाई पठाइदिएर हामीले चाहिँ उता पार्सल गरिदिन्छौँ प्लिज अमित एकदमै के छ अरे एकदम देख्न सक्नुहुन्छ कति मेहनती छन् भनेर हम पहले इधर गए थे व्हाइट टेम्पल फिर उसके बाद हम गए इधर माया देवी टेम्पल अब करो कैसे कैसे तो गाइस अब हम देखेंगे अब हम चेक करेंगे पहले दिखाओ चलो नहीं, नहीं, नहीं। नॉर्मल चलो नॉर्मल तो गाइस क्या हिमांशु की चाल प्रगति चाल अभी जान मुझे सीधा चल रही है जब पता नहीं होगा ना तब तब हाँ, तब बनाई हो वो सब तो ठीक है हिमांशु इतना तो मैंने भी नोटिस नहीं करा तो प्रगति की चाल में क्या देख रहे थे ऐसे किसी नोटिस कर लिया उसी ने बोला हम आ गए ढंग से बोलो बहुत बुरा पूछता है था तो गाइस अभी हम आ चुके हैं गाइस अभी हम आ चुके हैं मेरा इन लोगों को हम चाहे नेपाल का फर्स्ट टाइम मेला कैसा होता है हम मेला को इधर प्रदर्शनी बोलते हैं गाइस ये प्रदर्शनी फोन जो है ना और इतने क्रिसमस पे मैंने गिफ्ट दिया है गाइस कौन से प्रगति का ब्लॉग आएगा गाइस का ब्लॉग नहीं आएगा अभी इसमें ही तुम अमित को क्या बोल दो बाय बाय अमित बाय बाय बोल दो अब तुम्हारा सब फ्लश सब मेरे हाँ सब मुझे फॉलो करना गाइस तो अभी हम आ रहे हैं इधर मेला प्रदर्शनी तो अब मैं दिखाऊंगी हमारे इधर नेपाल में मेला कैसे दिखता है हमें यहाँ मौत को मिल रहा है चल झूठा गिर ना जाए भाई तो गिरने वाली थी मैंने इसका शॉर्टर पकड़ा पीछे से मैंने गिर गई तो भाई साहब हम क्या भाई झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए देखो
बैठे अंदर गाइस। अब हम अंदर जाके डराते हैं कि नहीं, ऐसे क्या होता है, अब हम आगे बताएंगे। ओके गाइस, मारो अमित और विशाल आनंद की काम पे निशा कर रही है। हमारी कितनी प्यारी है ये निशा। छोटा सा गिफ्ट सोच रहे थे पहले से ही देने के लिए। विशाल आनंद और अर्जुन के लिए भी तुम लेके चले जाना। अच्छा कैसा लगा देखो गाइस, कैसा लगा? ऐसे मत बोलो ना, हम दे रहे हैं ना नेपाल का तोहफा है ना ये। कैसा लगा, कैसे करो? कैसे लगा? नहीं ये हमने पहले से, हम इंडिया जाने से पहले नहीं डिसाइड कर लिया था। हाँ फिर हमने वो उधर देने नहीं पाई, इसलिए अभी हम अभी दे रहे हैं गाइस। छोटा है पर प्यारा है। तुम्हारे कैसे लगाएंगे तुम? हिमांशु लगाना। हाँ तो बोल रही ना करे, चुप जाएगा, इसलिए डर लग रहा है। इंडियन लड़का नेपाली हो गया। वाह देखो वाह कितना अच्छा दिख रहे हो तुम लोग। इधर 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 सामने आओ। हम नेपाली गोरखाली। ये गाइस अब आनंद विशाल और अर्जुन के भी जब लगाओ तो हमारे लिए ब्लॉग बना, वीडियो बना के ब्लॉग लगा के आना गाइस। ओके तुम लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, लगा के आना। जो भी निकलेगा उसमें से ये सब कुछ मिलेगा फ्री। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके गाइस, मैं निकाल रही हूँ अभी, पता नहीं। ठीक है 6 निकालो, 6 अरे 6 एक में क्या है? आयो पार रहे हो छक्का हिमांशु, छक्का हिमांशु, छक्का। कौन संध्या आएगा? आएगा तो 6 आया अमित। क्या फिर 1 कुकीज दिखाया गाइस। इतने भी 20 रुपए का 10 रुपए का कुकीज मिल गया हमें, क्या बोल सकते। हम इन लोगों को ये पाव खिलाने के लिए लेके आए। हिमांशु बोल रहा है इस पाव को अचार, अभी अचार है ट्राई करो। क्या क्या करना, अमित भी दिख रहा है क्या खाना, क्या खाने के लिए सभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या खाएंगे। अभी हमारे अचार के साथ इधर देख सकते हैं कितना ज्यादा मिठाई भी है, सब मिठाई है। हाँ ये बता रहे इमली नहीं है ये, इसने जो बोला वो खत्म हो गया। गाइस अब हम इन ये इधर से ये लेके आए, अब हम ट्राई करेंगे कैसा लगता है। इन लोगों का ऐसा समस्या है कि गाइस ना इन लोग ज्यादा तीखा खा सकते हैं ना इन लोग ज्यादा मीठा खा सकते हैं। अब पता नहीं इन लोगों को ये कैसा लगेगा, तो हम ये ट्राई करके दिखाएंगे इन लोगों को कैसा लगा। अच्छा गाइस गाइस देखो गाइस देखो हिमांशु कितना डर रहा है। गाइस ट्राई करो और बताना कैसा लग रहा है, कैसा है इधर देख के बोलना वो कैसा है गाइस। अच्छा है, अच्छा है, ज्यादा तीखा तो नहीं, ज्यादा मीठा नहीं। गाइस इन लोगों को अच्छा लगा, ये पास हो गया। गाइस हम टेस्ट करेंगे। क्या ही नहीं, उसका डल्ला मान रहा है और कुछ नहीं। तुम लोगों ने सही इसको पास में इसको फेल कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। नेपाल का मिनी सरोजिनी मार्केट, वर्ष में एक ही बार लगता है, एक ही बार लगता है। गाइस बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
लड़का है तो हिमांशु और उसका लव पर गया, लव पर गया गाइस, तो समझ रहे हो हिमांशु। हाँ अब हिमांशु का हमने नेपाल पे क्या कर दिया, सेट कर दिया, लड़की नहीं ढूंढा लड़का ढूंढ लिया गाइस। फाइनली हम अब हिमांशु को अकेले नहीं भेजेंगे, किसी के साथ भेजेंगे। हमने बुड्ढी का बाल खरीद लिया है और हम इन लोगों के साथ क्या करेंगे, खाएंगे बुड्ढी का बाल। हम इधर इंग्लिश में कॉटन कैंडी बोलते पर हम इधर नेपाल में क्या बोलते, बुड्ढी का बाल बोलते। अब गाइस अब हम इन लोगों को टेस्ट करवाएंगे, ले लो कैसा लग रहा है। ये अपना साथी भेट गया तो इसके मिल के साथ इससे बात कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे। अहिले त नखसालै फेर्थे अनबॉक्सिंग गर्दा। अच्छे से अनबॉक्सिंग हेर ना गाइस, देखो ला 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 हो गया। अभी गाइस हमें भी देना है, तुम अकेले नहीं खा रही हो। देखो देखो ये देखो अनबॉक्सिंग, वाओ ए इसको बोलते हैं गाइस अनबॉक्सिंग। अच्छे 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 से अच्छे से ये गाइस, ये हमने वीडियो में देख लिया। 2 3 गो खाओ। बहुत गाइस बहुत मीठा है, अच्छा है गाइस। आप लोगों को ये कॉटन कैंडी खाना चाहिए गाइस, तो ऐसे करके फिनिश्ड। स्टार्ट करो फिर भागो ना, ट्राई करो ना, ट्राई करो ना, ट्राई एक बार नहीं रखूंगी पर ट्राई करो ना। अरे वीडियो बनाएंगे तब भागेंगे। नहीं की बनाओ ना फिर एक बार प्लीज, एक बार भागो लगी, भागो 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 अमित, ए अमित सॉरी हिमांशु। ये हमारा वही हिमांशु है जो हमने इंडिया से लेके आए थे, अभी कैसे हो गया देख सकते, नेपाल में आके कैसे हो गया। ट्रेन में आते वक्त थोड़ा सा हिल गया है, हिल गया फुस गया है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम जाते जाते इसका वो ठीक करवा के जाएंगे। हेलो गाइस, तो मैं हूँ फिर मैं आ गई, और मेरे साथ कौन आ गई, निशा आ गई। नहीं पता इन लोगों का कैसा लगा पर हमें तो अच्छा लगा, नहीं और बहुत अच्छा लगा गई। पिंक खिलाया, गए थे सीधे गए और एक भूत देखा तो सीधे वापस आ गए। गाइस भूत भी जेल में थी, आपको पता है जेल में ऐसे कर रही थी, हम नहीं डरे। हिमांशु को देख के भूत डर गए गाइस, ऐसे फिर हम उन लोगों को ऐसे प्रदर्शनी मेला लेके गए, उधर घुमाए। झूठ बोल रही है, नहीं झूठ बोल रही है गाइस। मैं आपको इतने दिन तक अपने इतने सुबह से इतने रात तक मैं दिख रही तो मैं ही सच बोल रही हूँ ना गाइस, सो मेरे बात पे विश्वास करना। इन लोगों को नहीं, अमित के भी नहीं, अच्छा इधर अमित के भी नहीं। सो गाइस मेरे अभी हाथ दुख गए, छपके छपके भी हम इन लोगों को घर तक छोड़ने जा रहे हैं। मेरा अभी मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जानती, सो हम इधर इन लोगों को बना रहे हैं। अभी इन लोगों को हम घर छोड़ने के लिए चले जा रहे हैं, इधर संध्या को भी छोड़ने जा रहे हैं। संध्या और निशा मेरे घर जाएंगे, इन लोगों को मैं अपने इन लोगों का घर छोड़ने चले रहे हैं। हाँ इधर भी ये अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना गाइस। तो सच में बोलो तुम लोगों को कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बोलने बाकी है, क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूँ भगवान ऐसे तो सबको दे, लग के लिए हमारे भाग्य वो हो गए कि तुम हमारी जिंदगी में आ गए, हमारे भाग्य हो गए। हम नेपाल आए तो नेपाल जब हम घूमने आए तो हमें घुमाने के लिए भी लोग मिल गए, तो भगवान ऐसे तो सबको दे,
सब ऐसे खुश ही रहे, तुम बोलो। बहुत अच्छा लगा, वो कॉपी पेस्ट करने नहीं बोला है। माय आंसर आल्सो द सेम, नथिंग। तीन बंदों के लिए बुरा लगा जो हमारे यहाँ नहीं आ पाए। फिर हम बहुत इससे भी ज्यादा हम मजे करेंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके बोलो बोलो। हाँ तो वही उन दोनों के लिए बुरा लगा, बाकी तो हम लोग तीन लोगों अच्छा लगा। तीन लोगों के लिए जो भी है ठीक है। तो बाकी अभी अभी और दिन है, जितना कब तक हम लोग 1-2 तारीख तक है, तब तक मजे करेंगे, मजे करेंगे गाइस। और भी नई नई लोकेशन में देख जाएंगे, घूमेंगे, सब हम बताएंगे नेपाल के साए। अब हम गाइस आज का ये डे टू इधर ही खत्म होता है। ओके गाइस, अब गाइस डे 3 के लिए हम इन लोगों से कल मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।